thank <music> you good गुड मॉर्निंग एवरी वन तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराँठे आज संडे हैं तो आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं एक प्याज ले ली है अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट और हरा धनिया तो सबसे पहले आलू को हम मैश करेंगे आप चाहे तो ग्रेटर से भी कर सकते हैं मैं हाथों से ही कर रही हूँ और अब इसमें हम ये सब डाल देंगे जो हमने काट के कूट के रखा है प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और हरा धनिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसिस सबसे पहले नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली और थोड़ी सी हल्दी आप चाहे तो हल्दी अवॉइड भी कर सकते हैं और थोड़ी सी देगी मिर्च मैं बिल्कुल थोड़ी सी डाल रही हूं क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है और धनिया पाउडर और ये जीरा पाउडर थोड़ा सा और उसके बाद एक चीज और जो इसके टेस्ट को बहुत बढ़ाती है वो है आमचूर तो आमचूर पाउडर मैंने लिया है सबको मिला लिया है और हमारी स्टफिंग तैयार है तो बस लोई ले, ले लेंगे अपनी जैसे खाने हो हमें पराठे उसके अकॉर्डिंगली और उसमें स्टफिंग भर लेंगे तो स्टफिंग मैंने भर दी है बहुत ज़्यादा स्टफिंग अगर आपको पसंद हो तो ज़्यादा भर सकते हैं जैसा आप खाना पसंद करते हैं बस मैंने भर दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली और इसे बंद कर दिया है सील कर दिया है ऊपर से और बस इसे अब प्रेस करेंगे हल्के हाथों से और इसे बेल लेंगे हल्के हल्के हाथों से बहुत ज़ोर से नहीं बेलेंगे ये फट जाते हैं तो बस बेल देंगे और उसके बाद तवे पे डाल देंगे तवा हीट करने के लिए पहले मैंने रखा था तो ये देखिए हमारा पराठा तवे पे जा चुका है बस इसे अब एक तरफ से सिकने देंगे और उतनी देर दूसरा पराठा बनाएंगे और जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इसे बस दूसरी तरफ को पलट लेंगे और इस टाइम पर लगाएंगे हम इसमें घी तेल डाला जो भी आप लोग खाते हैं लगाते हैं तो घी में लगा रही हूँ और घी चम्मच में सेट हो गया है आप देख सकते हैं तो बस एक तरफ से लगाएंगे और गैस को इस टाइम पर मैंने लो टू मीडियम पे रखा है हाई पे रखते हैं तो एकदम से जल जाता है और बस दूसरी तरफ भी अच्छे से लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे चम्मच से या किसी और चीज़ से अच्छे से दबा कर सेकेंगे घुमा घुमा के तो बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है हमें हल्के हाथों से मैं दबा रही हूँ और पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सेक लेंगे और आप पराठा देख सकते हैं करारे करारे से पराठे बहुत ही अच्छी आ, मतलब टेस्ट इस तरीके से आता है चिथियाँ सी इस पर लग जाती है रेड कलर की तो बस दूसरा पराठा बेल कर तैयार रखा है उसे डाल देंगे और ये वाला जो पराठा है ये मैं इसी के ऊपर पहले डाल देती हूँ क्योंकि इसमें जो एक्सेस ऑयल या घी जो भी रहता है वो दूसरे पराठे पर रोटी पर लग जाता है तो बस अब आप देख सकते हैं तैयार है पराठा तो बस इसी तरीके से सारे बना लिए थे और ये मैं आपको दिखा रही हूँ पराठा अंदर से तो इस तरीके से स्टफिंग कोने कोने तक जाती है तो आप लोग भी खा लीजिए हेलो एवरीवन गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो अभी टाइम हो रहा है छः बज चुके हैं छः बजकर तीन मिनट और अभी मैं नहा कर निकल रही हूँ और ठंड इतनी ज़्यादा है मौसम इतना गंदा हो गया ना बहुत ख़राब हो गया है मौसम और अभी मैं फ़्री हो रही हूँ कपड़े धोकर आज मैं सुबह से कपड़े धो रही हूँ मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद झाड़ू पोछा पहले कपड़े डाल दिए थे फिर झाड़ू पोछा में लगे पोछा भी लगाया और अभी भी लगाया किचन सारा साफ़ किया और आज मेरे मन को तसल्ली हो गई क्योंकि मैंने सारे कपड़े धो दिए बेड शीट्स वगैरह सारे मतलब ब्लैंकेट धो दिए सिर्फ एक रह गया है ब्लैंकेट और एक रजाई का कवर वो अभी लगाया था नया तो मतलब अभी कुछ ही दिन हुए हैं उतना गंदा नहीं है तो वो रह गया है वो मैं आके कर अब मैं तसली से जा सकती हूँ क्योंकि पहले मुझे ये लग रहा था अब छः तारीख़ को तो हम जा रहे हैं और सात आठ नौ दस नौ दस के बाद ही आएंगे जब मम्मी वगैरह आएंगे उन्हीं के साथ आएंगे हम भी तो उसके बाद पता नहीं मौसम कैसा होगा और आके फिर बच्चों को पढ़ाऊँगी कि कपड़े धोंगी क्योंकि हमारे यहाँ अब साजा होता है संक्रांति जो होती है हमारे यहाँ उसे साजा कहते हैं मागा साजा तो उसके लिए हम हमारे यहाँ पूरे घर की सफाई करते हैं पूरे घर के कपड़े वगैरह मतलब पूरे अच्छे से सफ़ाई होती है जैसे दिवाली में होती है और उसके बाद सफ़ाई होती है फिर सुबह उठते हैं और हलवा पूरी बनता है उस दिन भोग वगैरह चढ़ाते हैं रात को उठ जाते हैं सुबह चार बजे फिर पकैन बनाते हैं पोलडू जिसे कहते हैं हमारे यहाँ मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे और बहुत कुछ बनाते हैं तो उसके लिए सारे कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं तो सफाई वगैरह करनी पड़ती है मुझे लग रहा था आकर पता नहीं कब आऊँगी शायद रोड ब्लॉक ना हो जाए कुछ भी हो सकता है तो मैंने आज सारे कपड़े धो दिए और तसली हो गई और मैं इतना थक चुकी हूँ तो मैं बता नहीं सकती पर किचन भी साफ कर दिया सब कुछ हो गया तो अभी अभी मैं निकली और लावण्या को कह रही थी नहाने को वो मना कर रही है तो अब देखती हूँ थोड़ी देर बाद उसको नहाती हूँ या उसे सुबह ही नहाऊंगी क्योंकि कल तो हमारा जाने का पक्का ही है और अब तो कुछ भी हो जाए चाहे आंधी आए तूफ़ान आए अब तो मैं नहीं रुकूंगी कल तो मैं चली जाऊंगी अगर कल मौसम ख़राब हुआ तब मैंने इनको कहा है फिर मैं बस में ही चली जाऊंगी आगे बाया सुननी जाती है वो, वो, वो बसेस जाती है तो मैं इनको कह रही थी अब तो कुछ मर्जी हो जाए अब मैं नहीं रुकूंगी और बहुत बहुत हो गया अब आज तक मैंने आपकी बात मान ली एक तारीख से इकतीस तारीख से मैं इनकी बात मान रही हूँ इकतीस को इन्होंने कहा दो को चलेंगे दो से कहा तीन चलेंगे तीन के बाद कहा छः को चलेंगे तो अब बिल्कुल नहीं सुनूंगी एक भी नहीं सुनूंगी और लावण्या बेचारी रोज़ परेशान हो जाती है फिर छुट्टियाँ ही ख़त्म हो जाएगी छः सात दिन तो ऐसे निकल गए छः सात दिन और रह गए हैं फिर बेचारे घूमेंगे कि पढ़ेंगे क्या करेंगे तो उसके बाद फिर इनके एग्ज़ाम्स होते हैं तो बस फिर अब मैं करती हूँ काम किचन में बर्तन है थोड़े से और खाना देखती हूँ आलू है सुबह के रखे हुए वो रखे हैं दिन में नहीं बनाए तो वैसे ही रख दिए थे मैंने काम आ जाएंगे तो पहले सोच रही थी उसकी टिक्की बनाऊँगी पर टिक्की के लिए टाइम ही नहीं लगा और फिर अब देखती हूँ उसी की सब्ज़ी बना देती हूँ न्यूट्री डाल के बनाती हूँ कैसे बनाती हूँ तो पहले मैं क्रीम वगैरह लगा देती हूँ मुँह ऐसा ड्राई ड्राई हो जाता है ना सर्दियों में और ये पिंपल हो गया था ये फाड़ दिया मैंने तो चलिए पहले मैं कंगी वगैरह कर लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ कम रखो बेटा तो कंगी अभी भी नहीं करूँगी और किसी ने ना मुझसे पूछा था कि आप कौन सा शैम्पू लगाते हैं और कौन सा तेल लगाते हैं तो शैम्पू तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ वाओ का और इसको फरवरी में साल हो जाएगी मुझे यूज़ करते हुए बहुत अच्छा है ये बहुत ही अच्छा केमिकल फ्री है और सबसे अच्छी बात है पैराबिन सल्फेट सिलिकॉन कलर आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस इसमें कुछ भी नहीं है मेंशन किया हुआ है इसमें और बहुत अच्छा है ये इससे बाल झड़ने बंद हो गए हैं पर जब मैंने इसे पहले लगाया था तो थोड़े बाल रूखे रूखे से हो गए थे क्योंकि इसमें आ, कोई भी केमिकल नहीं है जैसे और शैम्पू में केमिकल होता है तो उससे बाल एकदम से सिल्की और खुशबू आती है और अच्छे लगते हैं शाइनी से इससे पहले मेरे बाल एकदम से जब मैंने लगाया तो मुझे ये लग रहा था शायद मैंने ये गलत ले लिया है इससे झाग भी नहीं आती थी माइल्ड है ये बहुत और उसके बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे बाल बिल्कुल आ, मतलब ड्राई जैसे हमारे केमिकल वाले शैम्पू से हो जाते थे ना एकदम से ड्राई और बाल बाल अलग इससे वैसे नहीं हुए फिर मैंने मजबूरी में इसे लगाया क्योंकि तब मैंने ये फोर हंड्रेड का लिया था फोर डबल नाइन इसका प्राइस है तो तब मुझे पता नहीं था फोर फोर हंड्रेड का मैंने ये लिया था और फिर मैंने इसे मजबूरी में लगाया कि इतना महंगा मैंने मंगा तो दिया है फिर मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ पर एक महीने के बाद मेरे बालों में मैंने बहुत फ़र्क देखा बाल झड़ने मेरे बंद हो गए और क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है इसी वजह से इंस्टेंट इस पर कोई भी वो नहीं दिखता है रिजल्ट तो टाइम लगता है इसको यूज़ करते हुए पहले मैंने ये कोकोनट वाला मंगाया था और इस बार मैंने ये हेयर लॉस कंट्रोल थेरेपी वाला और कंडीशनर भी इसी का मंगवाया है और वो चल रहा है बहुत और ये बॉटल आपकी तीन महीने साढ़े तीन महीने तक मेरे मेरे जितनी लेंथ में चल पड़ती है तो अब ये ख़त्म हो चुका है थोड़ा सा रह गया है मुझे मंगवाना पड़ेगा और तेल की बात है तो तेल नारियल तेल मैं लगाती हूँ गर्मी में और सर्दियों में मैं सरसों का तेल ही लगाती हूँ तेल मैं कोई ज़्यादा हफ्ते में एक दो बार लगा लेती हूँ जब मुझे हेयर वॉश करने होते हैं उसे एक घंटा पहले या पहली रात में तो सरसों का तेल ही मैं लगाती हूँ जो नॉर्मल वाला आता है तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा तो चलिए अब काम करते हैं बेडशीट्स वगैरह बिछाती छाती हूँ बेड वगैरह दोनों रूम में बिछाने को है दीवान पे भी और सोफ़े के कवर वगैरह देखती हूँ चेंज करती हूँ या रहने देती हूँ उन्हीं को भी छाऊँगी सूखने के बाद तो चलिए बेडशीट वगैरह भी चाहती हूँ पहले फिर खाना बनाना है तो खाना बनाने से पहले मुझे लगा चलिए बेडशीट ही पहले बिछा देती हूँ और फिर खाना बना लूँगी तो बस यहाँ बेडशीट्स शीट्स मैं बिछा रही हूँ और गर्म बेडशीट्स शीट्स में बिछा रही हूँ क्योंकि आजकल ठंडी वाली बेडशीट्स बिल्कुल नहीं कॉटन की मतलब नहीं बिछा सकते हैं बहुत ठंड होती है यहाँ पर और जहाँ धूप ना लगती हो वहाँ तो फिर दिक्कत ही बहुत रहती है तो बस अब मेरी सफाई भी हो चुकी है बहुत तसली से अब मैं भी जा सकती हूँ तो मैंने कहा चलिए बेडशीट्स वग़ैरह बिछा देती हूँ और जो मैंने धोई थी वो सूखी नहीं है मतलब हो तो गई है थोड़ी सी मॉइस्चर सा उसमें है और ये मेरी बेडशीट बिछ गई है तो अब चलते हैं दूसरे रूम में तो वो थोड़ी मॉइस्चर सा उसमें है अब उसे उन्हें ऐसे ही मैं फैला कर रख दूंगी मतलब सुबह कल धूप तो होगी नहीं धूप तो लगती ही नहीं है पर दो तीन दिन लग जाते हैं कपड़ों को सूखते हुए तो बस अब ये दूसरे रूम में भी बेडशीट शीट में अच्छे से बिछा लूँगी और गर्म ही बेड ये भी है क्योंकि बैठते हैं बच्चे वगैरह इधर तो दोनों रूम में ही बिछा लेती हूँ वैसे सोते तो यहाँ कोई नहीं है जब गेस्ट वगैरह आए तभी सोते हैं यहाँ तो चलिए लेकर मैंने रखी थी तो वो बिछा लेते हैं अभी तो लगती हैं सर्दियों में एक दो महीने तीन महीने चार ही महीने ज़्यादा से ज़्यादा तो बस ये भी बिछ गई है और पिलो भी मैंने लगा दिए हैं और अब इसके बाद जाएंगे हम किचन में तो ये रही बेडशीट तो बस इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में तो आलू उबले आलू जो मैंने है वो हाथों से मैश कर लिए हैं और सिंपल सा तड़का मैं उसमें लगा रही हूँ एक प्याज एक टमाटर अदरक लहसुन डाल दिया है अदरक लहसुन मैंने साथ में काट ही दिया था आज कूट कर नहीं डाला है तो बस तड़का लगा लूँगी आटा मैंने गूँद लिया है मतलब सुबह का मेरे पास गूँथा रखा है तो काफ़ी है वो हम लोगों के लिए बेटा तो वैसे भी नहीं है आज तो बस सब्ज़ी बना लूँगी और उसके बाद चपातियाँ बना लूँगी और उसके बाद चपातियाँ बनाने के बाद आ गई हूँ मैं रूम में तो पैकिंग मैंने कहा करके रखते हैं अपनी सुबह फिर और काम रहते हैं घर के काम खत्म ही नहीं होते तो बस यहाँ पर पैकिंग कर दी है अपने कपड़े डाल दिए हैं लावनिया के भी डाल दिए हैं और बस जो थोड़ा बहुत ज़रूरी का सामान है वो अभी डाल दूँगी और जो याद आएगा सुबह में उसे फिर सुबह में डाल दूँगी तो बच्चों की थोड़ी दिक्कत रहती है कपड़ों की हमारे तो ये रहता है कि मम्मी के पहन लूँगी या सिस्टर के पहन लूँगी तो बच्चों के कपड़ों में मुश्किल रहती है बच्चों के डालने ही पड़ते हैं और ठंड में तो ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मियों में यही रहता है कि चलिए एक टी शर्ट में हो गया लोअर निकर में हो गया पर सर्दियों में अगर बच्चे कपड़े गीले कर दे या पानी गिर जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर बच्चों के कपड़े मिलते भी नहीं हैं तो चलिए ये हो गया है मेरा सामान पैक इसे रख देते हैं तो दस बजकर हो गए छः मिनट और अभी मैं आ रही हूँ किचन से मतलब थोड़े से ही बर्तन थे ज़्यादा नहीं थे थोड़े पहले धो लिए थे खाना खाने के बाद और कंगी नहीं की गीले गिले बालों में कंगी ना करने नहीं चाहिए टूटते हैं बहुत ज़्यादा बाल और इधर पैकिंग हो चुकी है और अपने से तो पूरी तैयारी है बाकी पता नहीं क्योंकि मौसम बहुत खराब है बहुत ज़्यादा कल बर्फ़ पड़ रही थी और आज नारकंडा बसेस नहीं गई है बंद थी कल भी और आज भी रोड बंद था पर अगर आज रात में बर्फ़ नहीं गिरी मतलब आज मौसम बर्फ़ वगैरह वहाँ नहीं गिरी तो कल रोड खुल जाएगा और अगर आज भी बर्फ़ पड़ रही होगी तो फिर कल नहीं खुलेगा क्योंकि बसेस का पता किया था बसेस नहीं जा रही है तो आगे वाले रोड से चले जाएंगे वैसे तो पूरी तैयारी है आज तो ठान ली है अगर कल ये नहीं आए तो फिर हम बस में चले जाएंगे और लावण्या तो मानेगी ही नहीं बिल्कुल भी नहीं तो चलिए अब मैं भी सो जाती हूँ बहुत थक गई आज बहुत ज़्यादा बहुत काम किया आज कपड़े अभी कपड़े बाहर लाने से लाने को है मैं भूल गई तो कपड़ों को अंदर ले आती हूँ जो गीले हैं वो तो बाहर ही रहने दूंगी और जो सूख गए हैं वो उन्हें अंदर ले आती हूँ सूखे तो कहाँ गीले गीले होंगे यहाँ फैला देती हूँ और उसके बाद रेस्ट करती हूँ और बाकी सारा काम हो गया है तो चलिए फिर जो मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं मुझे तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल बटन के साथ और आप सभी वीडियो को लाइक कर दें हमेशा की तरह जैसे आप करते हैं और मिलेंगे फिर आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में अगर बना पाई गई अगर तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट